तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट बताओ चलो. 3 × 10⁸ यूनिट्स मीटर पर सेकंड. ठीक है. व्हाट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3. तो लास्ट क्लास में हम एक रिलेशन किया था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, उसका बेस थोड़ा शैलोवर होता है, तो शैलोवर होने की वजह से हमें उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किस प्रकार से मिलता है, उसका रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ जब ये रेशियो लेते हैं तो हमें उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिल जाता है. सो ये टी था हमारे पास, और जहां पे हमने स्पॉट बनाया था जो कि हमें किस प्रकार से दिख रहा था, ऐसे दिखाई दे रहा था. तो दिस इज डी, इसको हम एच बोल देते. तो जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है या टोटल डेप्थ ऑफ लिक्विड है वो एपरेंट डेप्थ प्लस हाइट अप टू विच दिस पॉइंट हैज बीन रेज्ड. तो क्योंकि ये नीचे से उठ के दिख रहा है, ऊपर उठ के दिख रहा है, इसलिए इसको हम वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्टिकल शिफ्ट. सो दैट इज एच विच इज इक्वल टू टी माइनस डी. रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ गिव्स मी एपरेंट शिफ्ट. मोर ओवर हमने जो रिलेशन डिराइव किया था लास्ट क्लास में, दैट इज म्यू इज इक्वल टू टी अपॉन डी, यही मिला था रिलेशन, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. ठीक है, अब हमें चाहिए डी. यहां से डी क्या मिलेगा? डी इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू. ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो व्हाट डू वी गेट? एच इज इक्वल टू टी माइनस टी अपॉन म्यू और टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू. सो दैट बिकम्स द फॉर्मूला फॉर वर्टिकल शिफ्ट. देखो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से. अ स्विमिंग पूल 2 meters डीप appears to a diver how much? एक डाइवर ने जिसको पानी में, उसको कितना डीप वो दिखाई देगा. सवाल है कितना डीप दिखाई देगा, इसका मतलब हम क्या जानना चाह रहे हैं? एपरेंट डेप्थ जानना चाह रहे हैं. व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल एज विजिबल टू द डाइवर, जो भी उसमें कूदने वाला है उसको कितना गहरा दिख रहा होगा. ठीक है ना, ये वाला यूज करते हैं, ये यूज करना है. वैल्यू में पानी का 4/3 टी टू दिए हुए डी निकालने. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट वर्टिकल शिफ्ट सो फार. वर्टिकल शिफ्ट का मतलब जो भी डेप्थ है वो कितना उठ के दिख रहा है, कितना वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है, इस चीज को हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया. तो रिलेशन क्या है? एपरेंट डेप्थ इज डी, रियल डेप्थ इज टी. सो वर्टिकल शिफ्ट इज टी माइनस डी. सो एच इज इक्वल टू टी माइनस डी. दिस इज वर्टिकल शिफ्ट. कितना शिफ्ट होके मिला? हमने लास्ट टाइम रिलेशन किया था म्यू इज इक्वल टू टी अपॉन डी, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. ओके, इसको यूज करते हुए हम डी की वैल्यू यहां से निकाल रहे हैं. तो डी इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू. वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ डी हेयर टू गेट एच इज इक्वल टू टी माइनस टी अपॉन म्यू. टी कॉमन ले लीजिए तो ये चीज आ जाती है. सो दिस इज इक्वल टू एच, दैट इज वर्टिकल शिफ्ट. ठीक है, ये समझ में आ गया. फिर हमने क्वेश्चन छोटा सा किया था अभी. ए स्विमिंग पूल दैट अपीयर्स, दैट इज 2 meters डीप अपीयर्स हाउ मच. ठीक है, कितना डीप वो नजर आएगा, उसकी अपरेंट डेप्थ कितनी दिखाई देगी. तो उसमें हमें सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 4/3 इज इक्वल टू 2/3 डी. हाँ, तो दैट इज डी इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5 meters डीप. तो कम डीप नजर आता है. ठीक है, अभी इसका ठीक उल्टा भी होता है. जब बाहर से अंदर देख रहे हैं तो डेप्थ कम नजर आती है, जब अंदर से बाहर देख रहे होंगे तो हाइट्स ज्यादा नजर आएंगी. ये बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? तो हाइट ज्यादा नजर आती है, मतलब मैं किनारे पे खड़ा हूँ
ठीक है, और ईशान पानी में कूद गया और अंदर से मुझे देख रहा है, अब मेरी हाइट उसको 1.5 फुट ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, रे डायग्राम बना के दिखाओ जल्दी से कैसे हाइट ज्यादा नजर आती है। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम व्हाई द हाइट ऑफ अ फिशरमैन अपीयर्स टू बी टॉलर व्हेन व्यूड फ्रॉम द डीप इनसाइड द वाटर। मान ले फिशरमैन है और इस फिशरमैन को यहाँ अंदर से देखा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फिशरमैन से जो रे चली इस व्यूअर के पास पहुंचेगी और वो कैसे आएगी? पानी में आके बैंड हो जाएगी। तो फिर ये रे कहाँ से आती दिख रही है? इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे लंबा होकर दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? चले आगे। The bottom of a glass tumbler is 1 centimeter thick. It is filled with 5 centimeters of water and placed on a newspaper. ठीक है? At what depth the print matter will appear when viewed from the? At what depth the print matter? लिखा हुआ है ना newspaper पे वो. The print matter will appear when viewed from the top. ये glass tumbler है, 1 centimeter thick इसका base है और इसमें 5 centimeter height तक पानी भर दिए और ये कहाँ रखा हुआ है? न्यूज़पेपर पे रखा हुआ। अब आप कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। तो जो ऊपर से देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर पे जो छपा हुआ मैटर है वो इस ग्लास की वजह से उठ के दिखेगा, इस ग्लास की वजह से उठ के दिखेगा और फिर पानी की वजह से भी उठ के दिखेगा। दो मीडियम है जो उसको ऊपर उठा रहे। क्या कर रहे हैं? ऊपर उठा रहे हैं। ऊपर उठाने से क्या मतलब है हमारा? वर्टिकल शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कंबाइंड वर्टिकल शिफ्ट कितना हुआ ये निकालना है। ये समझ में आ रहा है? कंबाइंड वर्टिकल शिफ्ट कितना हुआ वो निकालना है और उसके बाद ऊपर से कितने डेप्थ पे दिखने वाले 6 में से उसको माइनस कर। सो कंबाइंड वर्टिकल शिफ्ट इज थिकनेस ऑफ ग्लास 1 minus 1/μ ऑफ ग्लास प्लस थिकनेस ऑफ वाटर 1 minus 1/μ ऑफ वाटर। अलग अलग लेयर्स का हमें वर्टिकल शिफ्ट निकाल। तो टीजी ग्लास की थिकनेस कितनी है? 1। तो 1 minus 1/μ कितना होता है ग्लास का? 3/2। तो ये हो गया 2/3 प्लस ये कितना है? 5। 1 minus 4 सो दैट इज 3/2। सो दिस इज 1 minus 2/3 इज 1/3 सो दिस इज 1/3 प्लस 1 minus 3/4 इज 1/4 सो दिस इज 5/4 and how much is this? 4 plus 15 19/12 centimeter 19/12 centimeter। सवाल क्या था? कितनी हाइट पे दिखेगा? therefore apparent depth is कितना? 5 plus 1 6 minus 19/12 centimeter कितना आ गया? सॉल्व करके बताओ जल्दी से, कितना है? 53/12 और ये कितना हो गया? 12 6 48 5 टू हाँ 4.4 centimeter कह सकते हो। और भी 4.4 से आगे जाएंगे तो 20 वन ईयर 4.42 हाँ 42 यस ठीक है राउंड ऑफ 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज एपरेंट डेप्थ एट विच द कैरेक्टर्स ऑफ द न्यूज़पेपर विल अपीयर। ये समझ में आया? इस प्रकार से चीज अप्लाई करनी है आपको, इसके आसपास क्वेश्चन बनेंगे सारे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का मतलब तो हमें पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं।
तो ये क्या फिनोमिना है और ये कब होता है और ऐसा होने के लिए क्या कोई जरूरी कंडीशंस हैं? ठीक है, इन सब बातों पे हमें गौर करने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब भी होगा, ठीक है, ये उस लाइट रे के लिए होगा जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होगी। ठीक है, तो पहली नेसेसरी कंडीशन क्या है, ऑलवेज हैपन फॉर अ रे गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। मतलब ये कंडीशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर रे के लिए होगा, मगर ऐसी रेज जो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होंगी होगा उन्हीं के साथ। ये पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा वो। आप ये चीज समझ में आ रही है? इसका मतलब हमें वो सारी रेज अब इंस्पेक्ट करने की जरूरत है विच आर गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक लेयर ऑफ वाटर है या कोई लिक्विड है या कोई भी ट्रांसमिट मीडियम, ठीक है, एंड वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट हियर एट द बॉटम। क्या है ये? सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हमने लिट कर दिया, तो लाइट फैल रही होगी चारों तरफ, हाँ बेटा, लाइट फैल रही होगी चारों तरफ। मान लो एक लाइट रे ऐसे आ रही है, तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा? व्हेनेवर ए लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, व्हाट हैपेंस? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अपने ये जो नॉर्मल पाथ है इसका सीधे वाला, यहाँ से ऐसे बेंड कर जाएगी, ठीक है, सीधी ने जाके इधर बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दिस इज आई वन, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कॉल इट आई वन, ठीक है। अब मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना है, ज्यादा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये लाइट रे को और तिरछा करना पड़ेगा। तिरछा करने से क्या होगा, दिस इज आई टू, एंगल बड़ा हो गया। ऐसे अगर मैं इसको बड़ा करता जाऊंगा तो एक ऐसा मोमेंट आ जाएगा कि जब ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एक ऐसा एंगल बनेगा यहाँ पे जब एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, मतलब जो रे एयर में जा रही है वो सरफेस के पैरेलल जा रही होगी, ठीक है। ये स्पेशल केस है जो आपको ध्यान रखना है। और ये स्पेशल केस क्या होंगे बेटा, यहाँ से इधर लेके आते हैं और यहाँ से इसको सरफेस के पैदल ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 डिग्री, एंड दिस इज स्पेशल एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये बहुत स्पेशल है, ये इसका ध्यान रखना है। इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, इसका ख्याल रखना है। तो दिस स्पेशल एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। I1 is less than I2 is less than C. Angle C is called critical angle. तो इस एंगल C तक रिफ्रेक्शन हो रहा था, एंगल C तक रिफ्रेक्शन हो रहा था। अब एंगल C को और अगर बढ़ा करेंगे तो R तो बड़ा हो नहीं सकता, R तो 90 डिग्री मैक्सिमम होना था, वो हो चुका, ठीक है। तो इसके बाद जो भी सिचुएशन होगी एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन की, ठीक है, रिफ्रेक्शन तो होगा नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो भी सिचुएशन होगी फॉर एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन एंगल सी, फॉर एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन एंगल सी, क्या होगा उसके लिए बेटा, रे बाहर तो जा नहीं पाएगी, अंदर ही वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको हम टी आई आर कहते हैं, ठीक है। तो इससे आगे जाने वाली जो भी रेज है वो अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। दिस इज आई,
दिस इज आउट अंदर, ठीक है। तो ये सारा जो एरिया है यहाँ पे टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ऑल रेज गोइंग अवे फ्रॉम दिस विल बी हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल एंड ऑल दीज एंगल्स विल बी गेटिंग टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, वो लैंग्वेज में लिख लो आप। क्वेश्चन आता है व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आता है व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एक फिगर बनाना है आपको, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे व्हेन ए रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, व्हेन अ रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल टू द सरफेस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रीच्ड, एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रीच्ड फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। आगे लिखे फॉर ऑल रेज हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर ऑल रेज हैविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, द लाइट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया बेटा, समझ में आया कि कुछ पूछना है बेटा इसमें तो बताओ। Understood, sir. अब ध्यान दें हमारा फर्स्ट मीडियम कौन सा है, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमें, बाय स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू टू वन है ना, म्यू टू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ इस केस के लिए, इस केस के लिए इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं हम स्नेल्स लॉ, तो आई की जगह क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है बेटा बताओ, आई की जगह क्या दिख रहा है, सी, सो दिस इज साइन सी, और आर की जगह क्या दिख रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना दिख रहा है, साइन 90 डिग्री, यह है म्यू टू वन, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हमें क्या चाहिए, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू वन टू, पलट के लिख सकते हैं इसको। अब साइन 90 क्या होता है, कोई डाउट इसमें कोमल बेटा, साइन 90 क्या होता है बेटा, वन, यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, म्यू वन टू साइन सी इज इक्वल टू वन, ये रिलेशन आ गया मतलब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, म्यू साइन सी इज इक्वल टू वन। जिस मीडियम के अंदर हम क्रिटिकल एंगल देख रहे हैं उसी मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बात समझ में आ रही है, जिस मीडियम का क्रिटिकल एंगल हम देख रहे हैं उसी मीडियम का वो क्रिटिकल एंगल है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्रिटिकल एंगल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन है, म्यू साइन सी इज इक्वल टू वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, क्या क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, लिखिए, अब निकालेंगे कैसे भाई, तो ग्लास में म्यू की वैल्यू क्या होती है, संकल्प म्यू की वैल्यू फॉर ग्लास थ्री बाय टू, तो थ्री बाय टू साइन सी इज इक्वल टू वन, ये क्या हो गया 1.5 साइन सी इज इक्वल टू वन,
ठीक है, इसके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 2/3, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/3 एंड दैट इज 42.4 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखने वाली है। हाँ बेटा, सबको समझ में आ रही है? यस सर। आदित्य को समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। सुमन को आया बेटा? अमीशा, यस सुमन। सर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं या आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आप जो भी आंसर देने जा रहे हो वो ऐसा आंसर क्यों देने जा रहे हो, तो उसमें हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताएंगे, अगर 1.5 इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1 होना है तो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/1.5 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके नजदीक हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, इसके नजदीक हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, और वो कौन सी वैल्यू है, साइन 45 की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, अभी 1.5 इंटू साइन 45 डिग्री, अभी मैं इक्वल टू 1 नहीं लिख रहा है, ऐसे छोड़ दे रहा हूं इसको। सो दिस इज 1.5 अपॉन 1/√2। रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। 1.5 अपॉन 1.414, ये रेशियो 1 से छोटी होने वाली है या बड़ी होने वाली है? ठीक है, 1 से बड़ी होने वाली है, हमें 1 चाहिए। तो ये जो 45 डिग्री है, इसकी इस एंगल को मुझे घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा 1.5 तक आने के लिए? बढ़ाना पड़ेगा, वो बात ठीक है, 42 तुम्हें पता है, वो भी ठीक है। अभी यहाँ पे इससे आपको कंक्लूजन निकालना है कि मैं 45 डिग्री को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, या 45 डिग्री को घटाऊंगा तो ये वैल्यू घटेगी, क्या होगा? साइन जीरो क्या होता है, मैंने क्या सवाल क्या पूछा है अभी, अभी सवाल क्या पूछा है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। साइन 90 क्या होता है, 91 होता है। ठीक है, अब साइन जीरो से आप 90 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, और मुझे वैल्यू घटानी है। 45 पे जो वैल्यू मिल रही है उसके हिसाब से मुझे वैल्यू घटानी है, क्योंकि ये तो रेशो 1 से ज्यादा बना रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे वैल्यू घटानी है इसलिए इसलिए एंगल के साथ क्या होना चाहिए, एंगल कम होना चाहिए, इसलिए क्रिटिकल एंगल 42 आता है। इसलिए क्रिटिकल एंगल क्या आता है, 42.4 आता है। ठीक है, वो 42.4 क्यों आ रहा है, ग्लास के लिए, ये रीजन है, ये इस तरीके से सोचना है आपको। ठीक है, हाँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे ग्लास की जगह पानी ले लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या होता है, 1.33। अब ये वैल्यू क्या हो रही है, 1.33 के अनुसार अब ये वैल्यू कम हो रही है। देखो, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 1.33 के अनुसार ये वैल्यू मुझे कम मिल रही है, तो मुझे इसकी वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है। तो इसकी वैल्यू बढ़ाना है, इसका मुझे एंगल बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री के आसपास है। ठीक है, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल 48 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज समझ में आ गया, इसकी एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट। एप्लीकेशन में है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, हम लाइट को बेंड करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं। ठीक है, बीम जा रही है सीधी,
सीधी बीम जा रही है, हम चाहते हैं वो 90 डिग्री से मुड़ जाए, हम उसको 90 डिग्री से बेंड करना चाहते हैं। तो 90 डिग्री से बेंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वी शुड हैव ए राइट एंगल्ड प्रिज्म, एक राइट एंगल्ड प्रिज्म चाहिए। राइट एंगल्ड प्रिज्म कैसा होता है? ये देखिए, दिस इज अ राइट एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है आपको दिख रहा है बेटा? Yes, ये 90 डिग्री का एंगल है, देखो ये, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इस 90 डिग्री एंगल और ये आप अपना हाइपोटेन्यूस है, ये इक्विलेटरल है, इसलिए इसको 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से राइट एंगल प्रिज्म बोला जाता है। और ये जितने भी एप्लीकेशन अभी हम करेंगे उसमें ये राइट एंगल प्रिज्म की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये कैसे यूज करते हैं, ये देखिए, इसके अंदर जो इसका क्रिटिकल एंगल है ग्लास का वो कितना होता है? 42 डिग्री, ठीक है, और इसकी शेप में क्योंकि इक्विलेटरल शेप है तो इसके जो एंगल्स होंगे खुद के वो 45 डिग्री के होंगे, तो 45 डिग्री 42 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है। और हमने अभी क्या देखा है, फॉर जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो वो कंडीशंस हमारी यहाँ पे सारी मैच कर। सो हाउ डू वी प्लेस आवर प्रिज्म? नाउ विल प्लेस प्रिज्म लाइक दिस, इस प्रकार से प्रिज्म को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। अब यहां से हम एक सीधी रे छोड़ते हैं, यहां से एक सीधी रे हमने छोड़ी है, तो इस सरफेस पे क्या हो रही है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो सीधी चले जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं मिलेगी आपको, बेंडिंग इफेक्ट नहीं आएगा, सीधी चली जाएगी, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट पर ये जाके टकरा रही है अपोजिट सरफेस को, वहां पे हमारे को जो नॉर्मल टू दी सरफेस है, नॉर्मल टू दी सरफेस वो इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। और इसलिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज 45 डिग्री, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री बन रहा है और ग्लास के लिए 42 डिग्री की कंडीशन है, तो ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना जरूरी हो जाएगा इसके लिए। इसलिए फॉलोइंग दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रे कैसी बेंड हो जाएगी? इस प्रकार से चली जाएगी, तो ये भी एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का ही बनेगा और रे जो हमारी सीधी जा रही थी वो 90 डिग्री से बेंड हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड TIR टू बेंड ए रे परपेंडिकुलरली, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब हमें रिटर्न करनी, ठीक है, 90 डिग्री से बेंड नहीं करनी है, हमें रे को रिटर्न करना है कि वो वापस आए, ठीक है। तो वापस आने के लिए बेंडिंग कितनी हो गई? सीधी जा रही थी, पूरी घूम के वापस आ गई, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है। तो 180 डिग्री के डिफ्लेक्शन के लिए हमें कैसे रखना पड़ेगा? विल प्लेस दी प्रिज्म लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे हम रे सीधा इस पर छोड़ते हैं, ठीक है, अगेन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा होगा? 45 डिग्री बन रहा होगा, और 45 डिग्री के अनुसार क्या होगा फिर? TIR होना पड़ेगा। TIR होने के लिए रे कहाँ जाएगी? सीधी नीचे आएगी और इस सरफेस पे पड़ेगी, इस सरफेस पे भी 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी और वो 45 डिग्री की वजह से फिर से TIR होगा, फिर से TIR होगा, तो यहाँ से फिर से बेंड होगी और यहाँ से सॉरी वापस आ जाएगी। आपने देखा ना, बाइनोक्यूलर्स देखे होंगे जिसमें लेंथ एडजस्ट करते हैं, फोल्डेड होते हैं वो, हम बीच में से लेंथ एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हम रे को घुमाते हैं, पहले रे सीधी आती है, बेंड होकर उधर जाती है, फिर घूम के वापस आती है, तो जो बेंडिंग ऑफ रे है डबल फोल्ड करते हैं उसको, इस प्रकार से प्रिज्म को यूज करके करते हैं, ठीक है। तीसरा केस कहाँ होता है?
when we have to invert the image, जब इमेज को इन्वर्ट करना होता है, उल्टा करना होता है, तब ठीक है हम प्रिज्म को यूज करते हैं. और वो किस प्रकार से यूज होता है? फिर वी यूज प्रिज्म टू इन्वर्ट द इमेज. प्रिज्म को सीधा फ्लैट प्लेस करते हैं इस प्रकार से. दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल? दिख रहा है? ओके. मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से, उल्टा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से रेज जा रही है, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, रेयरर से डेंसर में जा रही ना, डेंसर से रेयरर में तो जा नहीं रही, तो यहाँ तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है. और रिफ्लेक्शन होगा तो ये रेज बेंड कर जाएंगी, ऐसे जैसे बेंड कर जाएगी. अब यहाँ सिचुएशन क्या है, ये डेंसर से रेयरर में आना चाह रही है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे बेंड कर जाएगा, जब बाहर आएगी तो ये सीधी आएगी, ये सीधी. तो जो ऊपर वाली रे थी वो नीचे होगी, जो नीचे वाली रे थी वो ऊपर होके आ गई, ये वाली भी तो रे जाएगी ना डेंसर से, मतलब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाने को होगी तो ये भी तो डेंसर से रेयर जाएगी, यहाँ पे नहीं होगा टोटल नहीं, यहाँ पे वो सिचुएशन है. ये अब राइट एंगल जरूरी नहीं, राइट एंगल स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि इन्वर्शन हो जाए, ठीक है. तो यहाँ पे ये इस प्रकार से इन्वर्ट हो जाता है. वी यूज द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर इन्वर्टिंग द इमेजेस, ठीक है. टेलीस्कोप में जब देखते हैं तो सामने का पूरा सीन हमें उल्टा होकर नजर आता है. अगर हम सिंपल टेलीस्कोप से देखेंगे तो सारे सामने के मकान, पेड़, जो भी दृश्य नजर आ रहा है सारा उल्टा नजर आता है, ठीक है. अब हम उल्टा देखने के तो आदी नहीं है, सीधा देखने के आदी है, तो वो सारा का सारा सीन पलट के आना चाहिए, ठीक है, पलट के आना चाहिए. तो पलट के आने के लिए फिर बीच में प्रिज्म लगाया जाता है जो पूरी की पूरी इमेज को, जो सीन है सामने का, पलट के सीधा करके दिखाता है, फिर हमें वो नॉर्मल दिखाई देता है, ठीक है. तो ये दिस इज द यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूजिंग द प्रिज्म, ठीक है. इसके बाकी और भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा. अभी इस इन बातों में से जो मैंने आज करी है, इनमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं.